बात मेरी इसमें क्लियर कट सुन लेना। अगर हमारे पास 2+3 आयोटा लिखा हो तो इसका जो कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट, उसमें कॉन्जुगेट जो होता है, वर्ड जो है, आप अगर इसका कॉन्जुगेट लिखना चाहते हैं, यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा वैल्यू। आयोटा वाली वैल्यू जो होती है ना, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है ना, ये वाला, इसको हमने चेंज करना। रियल पार्ट जो विदाउट आयोटा होता है, उसके साइन को चेंज नहीं करना, चाहे पहले लिखा हो चाहे माइनस में। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। अब अगर कोई वैल्यू को देता है कि आयोटा +9, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -9 कॉन्जुगेट। मैंने कहा सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, सुना नहीं आपने? सॉरी, -iota +9। +9, ये चीज बतानी थी आपको बेसिकली। अब इसमें पार्ट जो वन है, अगर पार्ट वन की तरफ हम चलते हैं सॉल्व के लिए, तो जाहिर बात है कि वो 2+3 आयोटा लिखा हुआ है, तो क्या इसका कॉन्जुगेट बता सकते हैं आप मुझे? सर 2+3 आयोटा। अच्छा, साइन चेंज ही नहीं करना आपने? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा था कि कौन से क्वेश्चन में पहले। अच्छा, जी, फर्स्ट पार्ट तो हो गया था उसका बेटा, आयोटा फर्स्ट वाली वैल्यू साइन चेंज किया तो 2 - 3 आयोटा। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में नजर आ रहा है, उसका फर्स्ट कॉन्जुगेट बताएं। सर होगा 3+5 आयोटा। ओके, थर्ड पार्ट का कॉन्जुगेट बताएं। उसका आयोटा है सर, 10 आयोटा। प्लस आयोटा या सिर्फ आयोटा लिख लें। ओके, फोर्थ वाले का कंजुगेट सर ये उसका -3। हाँ सर, उसका -3 -4 आयोटा। फिफ्थ वाले का सर फोर्थ का, फिफ्थ का सर -4+ आयोटा। दे -4+ आयोटा। -4 प्लस प्लस आयोटा और सिक्स का बताएं। सर उसका -iota -3।